आज के लेक्चर में हम क्लास 9 बायोलॉजी का यूनिट 4 का सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल के बाहर की तरफ होता है, सबसे बैरूनी लेयर है। ठीक है, सेल का जो सबसे बाहर लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म के बाहर होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं उसके इर्द गिर्द जो बाहर की तरफ लेयर है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, एनिमल सेल में, जो जानवरों के सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाया जाता है, जानवरों के सेल में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया प्लांट और फंजाई में जो बाहर की तरफ सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर की तरफ, ठीक है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्लांट्स और फंजाई में सेल वॉल के नीचे ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अलग करता है जो बाहर का एनवायरनमेंट है और अंदरूनी जो चीज़ें हैं सेल के उसके कंटेंट्स को, ऐसे चीज़ों को अलग करता है सेल मेम्ब्रेन, अलग करता है बाहर के एनवायरनमेंट से, और जो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं और बाहर का एनवायरनमेंट है उन दोनों को ये अलग करता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेलेक्टिवली परमीएबल है। सेलेक्टिवली परमीएबल का मतलब है कुछ चीज़ों को ये सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को सेल के अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को ये रोकता है। ठीक है, वो चीज़ें जो सेल को रिक्वायर होती हैं वो सेल के अंदर जाती है, और जो चीज़ें सेल को रिक्वायर्ड नहीं होती वो हमारे साथ से वो सेल मेम्ब्रेन उनको रोक लेता है। सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को रोकता है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता सेल के अंदर। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हमारे पास रिसेप्टर साइट है। ठीक है, ये रिकग्नाइज करता है, पहचानता है, ठीक है, हारमोन्स को या न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। ठीक है, हारमोन्स ऐसे केमिकल्स है जो जिस्म के एक जगह में पैदे होते हैं और जिस्म की दूसरी जगह जाकर वो जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर ये हमारे साथ न्यूरॉन से ये सिग्नल मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर जब जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ये मैसेज जाता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर इसके ज़रिए जाता है, न्यूरॉन्स के ज़रिए। और ये अदर केमिकल को क्या करता है, रिकग्नाइज करता है, पहचानता है सेल मेम्ब्रेन उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जो सिंगर एंड निकर्सन ने जो मॉडल पेश किया था उसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के में के अंदर, ठीक है, लिपिड बायलेयर है। ठीक है, इस तरह लिपिड में ग्लाइकोलिपिड मौजूद है। ठीक है, ग्लाइकोजन और लिपिड मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोजन और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, और ये जगह इसमें प्रोटीन है जो चीज़ों को अंदर या बाहर जाने में मदद करते हैं। ठीक है, और ये इसमें के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। इसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो सिंगर एंड निकर्सन ने पेश किया इसके स्ट्रक्चर के बारे में सेल मेम्ब्रेन के। सिंगर एंड निकर्सन का जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, काबिल कबूल मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन मुश्तमिल होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होता है लिपिड बायलेयर पर, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है जिसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, सिंगर एंड निकर्सन मॉडल के मुताबिक फ्लोट मीन तैरना, और इसके अंदर भी कुछ मौजूद होते हैं, कुछ लिपिड बायलेयर के अंदर भी कुछ प्रोटीन अंदर भी उसके पाए जाते हैं। ठीक है, सम एम्बेडेड इन द बायलेयर, और कुछ इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं हमारे। तो ये हमारे साथ ये टॉपिक था आज का सेल मेम्ब्रेन।